हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मेंसुरेशन। तो चलते हैं, देखते हैं मेंसुरेशन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो मेंसुरेशन का पहले बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन जो होता है वो 2D और 3D होता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो 2D के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2D के बारे में। अब 2D में क्या क्या आता है और 3D में क्या क्या आता है वो चीज हम देखेंगे। 2D जो होता है वो X और Y एक्सिस पे चलता है, X और Y एक्सिस पे चलता है। और जो 3D होता है वो क्या होता है? X, Y, Z पे चलता है। X, ये X होगा और ये Y होगा, ओके? Y और Z, यानी कि इसमें 2 डायरेक्शन होती है और इसमें कितनी होती है? 3 डायरेक्शन होती है। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। 3D में क्या होता है? जैसे बेलन, घन, घना, शंकु, इटिस, ये जो चीजें होती हैं ये किसमें आती है? 3D में आती है। कैसे आती है ये चीज समझो पहले आप। ये क्या होता है? अब बेलन जो होता है, बेलन आप समझो, बेलन की चीज, जो बेलन होता है कुछ इस तरीके से होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जो देखा गया घन कुछ इस तरीके से होता है, यानी क्यूब होता है ना। यानी इसको आप देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस कुछ लग रहा है इस तरीके से, बट 2D में ऐसा केस नहीं होता है। 2D में सिंपल होता है, जैसे रेक्टेंगल, जैसे सर्कल, जैसे स्क्वायर, जैसे ट्रायंगल, ये जितने होते हैं ये आते हैं हमारे 2D में। यानी आज के बाद कभी आप नहीं भूलोगे कि 2D जो होता है हमारा, इसमें ओनली 2 डायरेक्शन पे होते हैं। क्या क्या होता है? त्रिभुज होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है और सर्कल होता है। बट इसमें जो अलग अलग होते हैं, बेलन होता है, घन होता है, घनाभ होता है, शंकु होता है, इत्यादि और भी चीजें हो सकती है। क्लियर? तो चलिए आज हम 2D के बारे में समझते हैं। टूडी में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज, यानी कि समकोण जिसको कहते हैं। भाई त्रिभुज में तो समकोण आता है, आता है ना? आता है। इसको आप क्या कहते हो? विकर्ण, यानी कर्ण। ये क्या होता है? ये क्या होता है? कर्ण। इसके सामने वाले ये जब 90° का कोण बनाएगा तो इसके सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। कंफर्म है? नीचे वाली भुजा होती है वो लंब, वो आधार कहलाती है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? आधार कहलाता है। और जो ये वाली भुजा होती है वो लंबाई होती है इसकी, लंब जिसको कहते हैं। क्लियर? यानी कि इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, नीचे वाली भुजा आधार कहलाता है और ये लंब कहलाता है। क्लियर? क्लियर हो गया। माना एक बात हमें बताओ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। भाई हाइट हमारी क्या? ये है हाइट। बेस हमारा क्या? ये हमारा बेस है कि नहीं? यदि क्षेत्रफल हमें निकालना है तो ये दो चीजें हमको गिवन होनी चाहिए। इसके बिना आप क्षेत्रफल नहीं निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। यहां तक क्लियर हो गया? चले आएगा क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। यानी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करने में। एक ट्रिक होती है, वो चीज हम आपको बता दें जिससे कि बहुत बेनिफिट होगा आपको इसमें। बहुत प्यारा ट्रिक है, देखिए। एक फॉर्मूला टाइप में होता है, उसको आप चाहो तो रट लो या याद कर लो, बहुत अच्छा है। 8
पंद्रह, सत्रह, क्या होता है आठ पंद्रह सत्रह, ये तो ऐसा आप समझो पहले, वरना आप कंफ्यूजन हो जाओगे। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे पूरा क्लियर। लिखा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे छोटी भुजा का लंबाई मुझको क्या कह रहा है, ये है फिगर ए, पहला नंबर क्वेश्चन है। ये मुझको क्या दे दिया 13, क्लियर। ये एक भुजा मुझको दे दिया है जो कर्ण है उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, मुझे बेस नहीं दिया है और हाइट नहीं दिया है, इसमें सबसे छोटी भुजा हमें ज्ञात करनी है, क्लियर। क्षेत्रफल हमको जो दे दिया है वो हमको दे दिया है कितना 30। भाई क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, बेस इनटू हाइट 1/2, ये तो होगा, बट हमें दोनों ही अननोन है, दोनों ही क्या है अननोन है ना, हमको तो नहीं मालूम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो आप पूरा सॉल्व करो इसको तब आंसर निकालो, या तो एक छोटा सा ट्रिक है उसको देख लो, आराम से आंसर निकलेगा। क्या ट्रिक है देखो, इधर देख लो, तीन चार पांच, ये तो एक वैल्यू है, तीन चार पांच, यानी कि इसमें से कोई एक संख्या दिख जाए आपको तो समझ लीजिए, मान लीजिए पांच हमें दिख रहा है तो ये दो वैल्यू पक्का पक्का उसके साथ होंगी होंगी, यानी एक आधार होगा तो एक हमारा लंब होगा, क्लियर। यानी जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो हमारा कर्ण होता है, क्लियर। चलिए इसमें यदि दो का मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा, 6 8 10, क्लियर। इसी में हम तीन का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 12 15, क्लियर। इसी में यदि चार का आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 4 12 4 4 16 5 20, यानी इनमें से कोई भी एक वैल्यू हमें दिख जाएगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी यही क्वेश्चन पे आएंगे, क्लियर करवा देंगे, पहले इतना समझो, क्लियर। यानी 3 4 5 हमको दिख गया तो आराम से निकाल लेंगे, 6 8 10 दिख जाएगा तब भी निकाल लेंगे, 9 12 15 दिख जाए तब भी निकाल लेंगे, 12 16 20 दिख जाए तब भी निकाल लेंगे। अब एक और सारणी होती है, वो चीज समझो आप, क्या होता है 5 12 13, उसका आता है 6 8 10, फिर आता 8 15 17 9 40 41, फिर आता 11 60 61। ये दो सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल केवल इसमें यूज होगा समकोण त्रिभुज में, उसके अलावा किसी में यूज नहीं होते हैं, केवल समकोण त्रिभुज जहां बनता दिख रहा हमें, ये हमें फॉर्मूला कहो या ट्रिक कहो ये लगा लिया जाता है। अब हमें एक बात बताओ, इन दोनों में 13 कहां दिख रहा है हमको, इन दोनों में हमें 13 कहां दिख रहा है, तो मुझे पक्का पक्का पता चल गया कि 13 हमारा ये है तो 13 हमारा ये है, यानी सबसे छोटी भुजा हमें पता चलना है तो हमारी छोटी भुजा क्या होगी 5, सबसे छोटी भुजा जो होगी वो कितना होगा 5, और यही आंसर होगा। अब हमें चेक करना है तो चेक भी आप कर सकते हो, देखो 30 हमें दिया हुआ है, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा 30, तो 1/2 × 12 × 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, 30 ही तो आ रहा हमारा क्षेत्रफल, क्लियर है। यानी हमें पता चल गया आज के बाद, कभी भी हमें भुजा निकालनी हो छोटे या बड़ा या बीच का, तो हम ये सारणी का प्रयोग करते हैं, क्लियर। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, बस ये फॉर्मूला आपको नहीं आएगा तो समझ लो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कोई भी सवाल इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण उसका 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्लियर। देखिए
ये जो कह रहा है वो 26 सेंटीमीटर है ना। सेकंड नंबर विकर्ण, विकर्ण कह लो कर्ण कह लो बात देखिए, यदि हम इसी के साथ एक और त्रिभुज बना लें 13, क्या बताया था मैंने, बताया था ना 13, 12 और 5, ये तो बताया था। यहां मेरे पास 26, यहां मेरे पास 13 सेंटीमीटर है भाई। एक मैंने फिगर बना लिया इधर इसको कंपेयर करने के लिए, तो मैंने देखा कि यहां 13 है यहां 26 है, इससे कितना गुना है, 13 से कितना गुना है, 2 गुना है ना, तो इसी अनुसार ये भी 2 गुना होगा, तो ये भी 2 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी हमें मालूम चल गया कि ये 24 होगा तो ये 10 होगा। क्लियर भाई, मैंने खाली कंपेयर कर लिया इन दोनों में कि ये 13, 5, 12 दिया था, तो 13 का ये क्या हो गया हमारा 26 है, इससे 2 गुना है, तो इसी अनुसार ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, तो ये दोनों 2 गुना कर दिया। क्लियर, तो यानी कि हमारा एक्स बराबर, यानी कि मान लो क्षेत्रफल निकालना में, तो क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बाय 2 h, यानी कि 1/2 × 24 × 10, इससे ये कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा इसमें स्याही डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जब तक आप ये क्वेश्चन देखो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसमें। चलिए हाँ, तो देखिए क्लियर हुआ सवाल, इसमें कोई डाउट है, नो डाउट, चले आगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, आयताकार की बात कर रहा है। आयताकार क्या है, ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगल, ये तो है। इसको यदि आधा आधा कर दिया जाए, इसको यदि हम आधा आधा कर दें, इसको यदि आधा आधा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा आप बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे, आधा आधा हमने कर दिया इसको तो क्या बन गया यहाँ पे, एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया, बन गया कि नहीं बन गया बताओ, यानी इसमें 2 त्रिभुज मिलके एक रेक्टेंगल का निर्माण करता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी आप कैसे क्या करोगे, अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, यानी कि इसमें एक ये त्रिभुज बन रहा है तो दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है। क्लियर, यानी ये दोनों त्रिभुजे बन रहे हैं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब हमें क्षेत्रफल के बारे में बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर, ये हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन करेंगे, अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्लियर, तीसरा जो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, उसमें इसका विकर्ण मुझको दे दिया है, विकर्ण जो दे दिया वो 13 सेंटीमीटर दे दिया। क्लियर, उसकी एक भुजा क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब रेक्टेंगल बनता है, सॉरी जब समकोण बनता है, तो मैंने आपको बताया था 13, 12 और 5, ये बताया था कि नहीं बताया था, 13 मुझको मिल गया, 5 मुझको मिल गया, तो 12 तो हमारा नीचे हो गई होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा, तब तो क्षेत्रफल निकाल ही लोगे, क्षेत्रफल क्या होता है L × B, यानी कि 12 × 5, यानी 12×5 = 60 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, हमको ये 2 चीजें दे दी थी, ये मुझको निकालना था एक लंबाई इसकी, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट आंसर निकालो। क्लियर, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है देखते हैं, फोर्थ नंबर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है,
तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। बस मुझे एक क्लू मिल गया, क्या 13 सेंटीमीटर उसका क्या है, विकर्ण। बस हमें एक क्लू मिल गया कि 13 सेंटीमीटर विकर्ण है, तो हमें मालूम है कि 13 कितना होता है, 13, 12 और 5, यही तो होता है। यानी ये 5 होगा तो ये 12 होगा। अब मुझे परिमाप से मतलब ही नहीं है ना, कि परिमाप क्या दे रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब है कि ये दो चीजें मुझे मिल गई, किससे, इस चीज से, यानी ट्रिक से। यानी कि क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 12 × 5 क्या होता है, L × B होता है, ये तो होता है यानी 60 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। परिमाप से खाली घुमाने की बात हुई थी, वो घुमा दिया गया कि परिमाप दे दिया, निकलना उससे भी निकलेगा, वो लंबा क्यों जाए जब मेरे पास ये रखा हुआ, तो 2 सेकंड में आंसर निकालना है। क्लियर। आगे चले 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्या है, एक आयताकार का विकर्ण 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 है, तो उसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 17 सेंटीमीटर मुझको दे दिया है, पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो 17 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको मालूम है क्या होता है, 8, 15 और 17, यानी मुझे पता चल गया ये 15 होगा तो ये 17, ये 8 होगा। क्लियर। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल तो हम निकाल लोगे आप, क्या निकाल लो, L × B, यानी क्या हो जाएगा, 15 × 8, 8 × 5 = 40, 4 × 8, 8 × 10, 8 × 5 = 40, 120, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, होगा कि नहीं होगा, क्लियर। ये सेंटीमीटर में आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर में। जब यूनिट सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको आंसर भी हमारे सेंटीमीटर ही में आएगा। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए अब आता है 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए, एक आयताकार लान कि भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा उसका क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर है, लॉन का विकर्ण ज्ञात के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉन है कोई, उसका विकर्ण पूछ रहा है, 3:4 है। तो माना कि मेरे पास 3x × 4x है, मुझे विकर्ण निकालना है, ये निकालना है। क्लियर, तो ये निकालना है, तो आप चाहो तो आप देख सकते हो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था 3, 4 और 5, यानी हमें क्लियर पता चल रहा है कि 5 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, आता है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या है, 3x × 4x, ये कितना है, 1200, बराबर कितना हो जाएगा, 12x², इससे ये कैंसिल, 100 × x², तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √100। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 10। क्लियर भाई, 10 ही तो आएगा हमारा, 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर भाई, 10 ही सेंटीमीटर आएगा ना, 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि मेरा जो रेशियो दिया था वो 3:4 है, क्या है, 3:4, एक्स का मान हमारा आ गया, एक्स का मान इसमें रख देंगे तो क्या आएगा हमारा, 13x × 14। क्लियर, यानी हमारा रेशियो जो आया वो 13:14 का रेशियो आया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कितना, 50, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले पे रखेंगे। अब समझ आया, 30 आ गया, 40 आ गया, तो ये हमारा 50 क्या आएगा, कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई इस तरीके से देखो,
ये पांच है भाई, ये तीन है, ये चार है, तो ये पांच होना चाहिए। एक्स बराबर हमारा दस आ गया, तो इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, पचास। यानी विकर्ण हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा पचास। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ लो। ये है ना सम चतुर्भुज है, समांतर नहीं सम चतुर्भुज है। ये होता है सम चतुर्भुज। क्या होता है सम चतुर्भुज? ये क्या होता है सम चतुर्भुज? इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वन बाई टू डी वन अपॉन डी टू इंटू डी टू, डी वन इन डी वन इंटू डी टू, डी वन इंटू डी टू। अब डी क्या है, डी हमारा है पहले का विकर्ण और दूसरे का विकर्ण। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें पूछेगा क्या, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें डी वन और डी टू हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम जाकर इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्लियर, चलिए सातवां नंबर अब देखिए। सातवां नंबर क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्लियर, देखिए पहले तो ये बताओ कि ये समांतर चतुर्भुज है मेरे पास, एक ये विकर्ण है इनकी, कौन सा है नंबर, सातवां नंबर क्वेश्चन है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप इसका क्या होता है, चार भुजाएं इसकी, यानी ए फोर, इसकी चार भुजाएं तो ए बाई फोर, यानी जो परिमाप आएगा उसका फोर टाइम होगा, कितना होगा फोर टाइम होगा। क्लियर, परिमाप जो है इसका चार टाइम होगा, यानी कि फोर ए, मान लो फोर ए होगा, सॉरी इस इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी ए बराबर हमारा क्या होगा, परिमाप अपॉन फोर, ये होगा। यानी एक भुजा में निकालने तो इसका भुजा करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आप देखिए जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। क्या कह रहा है, परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 बटे 4, यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो गया और 10 सेंटीमीटर ये हो गया। मुझे एक विकर्ण दिया हुआ है, यानी ए मान लीजिए ए और बी का विकर्ण मुझे दिया हुआ है, यानी डी वन मुझको दिया है क्या 16 सेंटीमीटर, डी टू मुझको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें एक बात बता दो, ये टोटल 16 है तो आधा और आधा कितना होगा, ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा। क्लियर, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। अब एक बात बताओ, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, इस चीज को हम इधर ले आए एक तरह से, तो ये क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको 6, 8 और 10, यानी ये जो हमारा होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, होगा ना, यानी ये जो आधा है वो 6 होगा तो ये भी 6 होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। इसका हमने निकाला, फिर हमने इसका निकाल दिया। क्लियर, यानी डी टू हमारा क्या होगा, पूरा विकर्ण देखा गया यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा 12, होगा कि नहीं, 6 6 12, यानी डी टू हमारा कितना आ गया, डी टू हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया, बस खेल खत्म। यानी क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या होगा, 1/2 d1 d2, यानी 1/2 कितना है हमारे पास, एक 16 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, काट दीजिए इससे ये कैंसिल, कितनी बार 8 बार, यानी कितना हो जाएगा 8 × 12 = 96 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए भाई
मैंने एक टुकड़े को निकाला तो इधर देखा तो 8 और 10 दिया, तो ये हमारा 6 होगा, तो ये कंफर्म 6, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये भी 6 होगा, दोनों कितना होगा 12 होगा। भाई इस फॉर्मूले से मैंने निकाला, ये तो मैंने शुरुआत में बता दिया आपको, क्लियर। 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है देखिए, 8वां नंबर भी सेम ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है, आराम आराम से करिए, सब हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 48 तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। 8वां नंबर क्वेश्चन, परिमाप जो मुझको दे दिया है कितना दे दिया है 68, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 68/4 बराबर कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। D1 मुझको दे दिया 16 सेंटीमीटर, ये तो दिया, देखा गया। एक फिगर बना देता हूं मैं यहां पे, देखो ये 8 है, ये भी 8 होगा, मुझे पता चल गया कि ये 17 हो जाएगा, तो ये भुजा क्या होगी भाई, ये हमें पता चल गया कि ये 17 होगा तो ये भुजा क्या होगी, आप बताओ कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा 15, ये 15 तो ये भी 15, तो टोटल ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये टोटल भुजा हो जाएगी 30, यानी D2 बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्लियर। अब निकाल लें, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, यानी क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 D1 D2, 1/2 कितना हो जाएगा, D1 का मान 16 और D2 का मान 30, इससे ये कैंसिल, कितनी बार 8 × 30 8 × 3 = 24 240 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर क्लियर। कोई डाउट है तो बताओ इसमें, कोई डाउट नहीं, चले आगे। 9वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों का लंबाई 12 तथा 16 सेंटीमीटर है। ये तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझको दे दे D1 16 सेंटीमीटर, ये तो दिया है, और 12 सेंटीमीटर, D2 12 सेंटीमीटर दे दिया, लगा देंगे फॉर्मूला से 1/2 D1 D2 1/2 16 × 12, इससे ये कैंसिल, तो 8 × 12 96 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आराम से कर लोगे, क्लियर। आगे चले 10वां नंबर क्वेश्चन, हाथ देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल लीजिए, क्या कह रहा है कि एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा ए स्क्वायर, परिमाप हमारा क्या होगा 4 है, यह फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, ये सबको मालूम होगा। अब चलते क्वेश्चन की ओर, क्या लिखा हुआ, 2 वर्गों का परिमाप 32 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, तो उन तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, यानी पहले परिमाप दिया हुआ, दूसरे का दिया, तो तीसरे का परिमाप हमसे पूछ रहा है। देखिए पहले का परिमाप कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, क्लियर, दूसरे का परिमाप मुझको दे दिया 60 सेंटीमीटर, और तीसरे का परिमाप मुझसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, यदि भुजा निकाल दें तो हम वो एक आपको ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से हम आराम से इसको निकाल लेंगे। कैसे, देखिए परिमाप हमको 32 दिया हुआ है, कितना है 32, तो ये हमको निकालना है, तो क्या होगा 32/4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसी अनुसार इसको निकालेंगे तो 60/4 कर देंगे तो कितना जाएगा 15 × 60, तो मैंने बताया था एक 8, 15 और कितना बताया 17, यही तो बताया था 8, 15, 17, यही तो बताया था,
बताया था ना, यानी ये हमारा भुजा जो हो जाएगी तीसरी 17 हो जाएगा कि नहीं होगा भाई। पहले का 8 भुजा आ रही, दूसरे का 15 आ रही है, पहले का ये 8 आ रहा है भुजा, दूसरे का 15 भुजा आ रहा है, तो तीसरे का भुजा 17 होगा। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना परिमाप, यानी परिमाप निकालना तीसरे का, तो क्या होगा 4a, यानी कि 4 × 17 बराबर कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। क्लियर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक देखो, यहां तक ये क्लियर हुआ भाई, कुछ नहीं है, तीसरे का परिमाप निकालना है, मैंने पहले का निकाल दिया, दूसरे का निकाल दिया, तो तीसरे का ऑटोमेटिक हमारा परिमाप आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, चले आगे। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 हो तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। वर्गों का क्षेत्रफल, 12वां नंबर क्वेश्चन, वर्गों का यानी एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, ये 25:9 दे दिया, यानी 25:9 ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है क्षेत्रफल है, क्या है हमारा क्षेत्रफल। क्लियर, मुझको परिमाप पूछ रहा है, तो पहले तो मुझे भुजा निकालनी पड़ेगी, यदि मेरी भुजा निकल आती है तो परिमाप हमारा ऑटोमेटिक निकल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पहले देखो यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, पहले यहां क्लियर समझो, क्षेत्रफल हमको दिया है 25:9, क्षेत्रफल हमको दिया है 25:9, मुझे एक भुजा निकालनी पड़ेगी, यदि भुजा हम निकालने में कामयाब होते हैं तो हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप जानते हो कि हमारा क्षेत्रफल है बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, जब ये इधर जाएगा तो अंडर रूट क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए होगा। क्लियर, यानी 25 अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9, यानी क्या हो जाएगा 5:3। हमें भुजा पता चल गया कि भुजा जो हमारा है ये दोनों आ गया। परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप हमारा होता है 4a, ये तो होता है, यानी 4 × 5:3×4। क्लियर, तो 20 × 5=20 × 3/12 और यही इसका परिमाप का रेशियो आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा 20:12। क्लियर, परिमाप 4a होता तो 4a रखा मैंने और आंसर निकाल दिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। तो मिलते हैं इसी का नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।